का ये जो जश्न है ये सिर्फ स्टेडियम में नहीं था बल्कि पूरे फ्रांस में जबरदस्त खुशी मनाई जा रही है। पेरिस, हम आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से जश्न मन रहा है। सभी टीवी सेट्स के आगे बैठे हुए थे, सभी मैच देख रहे थे और जैसे ही फ्रांस चैंपियन बना, हालांकि 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिला, उसके बाद ये आतिशबाजी होने लगी, फ्रांस के झंडे लहराने लगे, जश्न मनाया जाने लगा। पेरिस की सड़कों पर, गलियों में, रेस्टोरों में भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह से खुशी मनाई गई है। फ्रांस के फाइनल में पहुंचते ही जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थी और ऐसा लगा कि ये कोई राष्ट्रीय पर्व है जिसकी खुशी मनाई जा रही है। एफिल टावर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, मैच देखते रहे और जैसे ही फ्रांस विजेता बना जश्न शुरू हो गया। टीम का ये जीत का जश्न, फ्रांस के लोग ये पेरिस में जश्न मना रहे हैं, अपनी टीम के लिए खुशियां मना रहे हैं और एक गौरव की अनुभूति उन्हें हो रही है। जबरदस्त जश्न फ्रांस में मनाया जा रहा है। फ्रांस की टीम इस टूर्नामेंट की दूसरी सबसे युवा टीम है, इसमें तेज तर्रार खिलाड़ी जिसमें एम्बाप्पे की मौजूदगी है, क्रोशियाई टीम में लुका मेड्रिज थे जो कि इस समय दुनिया के बेहतरीन मिडफील्डर्स में जिनका नाम आता माना जाता है। फाइनल दो बेहद ताकतवर टीमों के बीच था जिसमें फ्रांस ने बाजी मारी। ऐसा नहीं है कि ये जश्न सिर्फ फ्रांस में ही हो रहा है, भारत में भी इस बार ज़बरदस्त दीवानगी फुटबॉल की देखी गई, वर्ल्ड कप की देखी गई। तीन तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में फ्रांस के दूतावास में वहाँ मौजूद राजनयिक, वहाँ मौजूद कर्मचारी और फ्रांस के लोगों के भारतीय सहयोगी जश्न मना रहे। तो पेरिस की सड़कों की तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तिरुवनंतपुरम जहाँ फुटबॉल की दीवानगी देखते ही बनती है कोलकाता की तरह, वहाँ आयोजन किया गया था फाइनल मैच को देखने के लिए, कई सारे वैकल्पिक इंतज़ाम किए गए थे और वहाँ पर लोगों ने मैच देखा था, भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी, रेस्टोरों में ये इंतज़ाम किया गया था, लोगों ने अलग से इंतज़ाम किए थे, भारी तादाद में लोग एक साथ मिलकर इस मैच को देख रहे थे और जब मैच का परिणाम आया तो तिरुवनंतपुरम में भी जश्न की ये तस्वीरें वहाँ से भी सामने आई। क्रिकेट के बाद अगर किसी खेल की दीवानगी देखने को भारत में मिल रही है तो वो फुटबॉल के, फुटबॉल के चाहने वाले भी बहुत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ्रांस को फुटबॉल विश्व विजेता बनने पर बधाई दी है, लेकिन उन्होंने क्रोएशिया की टीम की भी तारीफ की है कि पहली बार खेलते हुए ये टीम अगर फाइनल में पहुंची है तो ये उसके लिए वो बधाई की पात्र है, ऐतिहासिक क्षण उसके लिए। हमारे देश में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की जबरदस्त दीवानगी देखी गई, जब भी मैच हुआ लगभग हर रोज लोगों ने उस पूरे मैच को देखा भी, एंजॉय भी किया। कोलकाता में फ्रांस की जीत पर जबरदस्त जश्न मना फ्रांस के समर्थकों के बीच। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी पूरे मैच के दौरान मौजूद रही, मनोज्ञा की रिपोर्ट। अर्जेंटीना का भले ही दोनों टीमें ना हो फाइनल में, लेकिन जब उत्साह होता है ऐसा लग रहा है कि फ्रांस जीता है, कोलकाता जीता है। या वी हैव डन इट एंड फ्रांस हैज डन इट। फ्रांस हैज
कितना उत्साह है फ्रांस के लिए? बहुत 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 जस्ट वाना से टीचर्स फॉर फ्रांस गाने बजाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उत्साह अगर कुछ चाहिए होता है तो सिर्फ ये फील चाहिए होती है कि टीम जीत गई है। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ मनोज लोहिवाल, कोलकाता आज तक। कोलकाता के बाद आइए इस वक्त हम आपको फ्रेंच एम्बेसी लिए चलते हैं, दिल्ली में मौजूद हमारी स्मिता संवाददाता के पास, हमारी संवाददाता स्मिता के पास। स्मिता, आपने पूरा मैच देखा है, जबरदस्त जश्न नाच गाना वहां पर चल रहा है, कैसे लोगों ने एंजॉय किया, कितना एक्साइटमेंट था, कितनी दुआएं थी और फ्रांस जब चैंपियन बना उसके बाद की तस्वीर आप किस तरह से दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सैयद, आपको तस्वीरें दिखाऊंगी यहाँ पर और तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। बहुत ही रोमांचक मैच रहा, हालांकि पहला जब गोल फ्रांस ने किया उसके बाद जोश जो था वो दुगना हो गया था, लेकिन जब क्रोएशिया की तरफ से गोल आया थोड़ा बहुत टेंस था, लेकिन अंत में जीत फ्रांस की हुई और जैसा कि यहाँ तैयारियां पहले से की गई थी लोगों का उत्साह यहाँ दुगना होता दिख रहा है। सब आप देख सकते हैं नाचते गाते यहाँ लोग हैं, ऐसा नहीं कि फ्रेंच एम्बेसी में सिर्फ यहाँ पर दूतावास से जुड़े लोग हैं, भारतीय भी हैं बहुत सारे यहाँ पर जो मौजूद हैं और जमकर आनंद उठा रहे हैं। नाचते गाते तस्वीरें अपने आप में आपको बता रही हैं कि कितने लोग एक्साइटेड हैं। सैयद, मेरी पहले भी बात हुई लोगों से, उन्होंने बताया कि वो पहले से उम्मीद कर रहे थे, हालांकि क्रोएशिया जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करते आई है उसको इन्होंने उसकी जो ताकत है गेम की उसको इन्होंने कम नहीं आका और तैयारी पूरी की और यहाँ जश्न अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है। आखिरकार जीत फ्रांस की हुई है। हम देख रहे हैं स्मिता जिस तरह से नाच गाना यहाँ पर चल रहा है फ्रेंच एम्बेसी में और काफ़ी मुश्किल हम समझ सकते हैं, अगर आप यहाँ कुछ लोगों से बात करना चाहें तो वो भी बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या कॉन्फिडेंट थे क्योंकि क्रोएशिया पहली बार फाइनल में करी जी। बिल्कुल कोशिश करूंगी यहाँ लोगों को, आप यहाँ पर क्या सोच कर आई थी फ्रेंच टीम को शुरू से? ऑफ कोर्स द फ्रेंच वर गोना विन एनीवे। अच्छा, बीच में कभी ऐसा कोई मोमेंट लगा जब क्रोएशिया जो है वो टक्कर? द क्रोएशियन टीम वाज स्ट्रांग, इट वाज गुड, बट द फ्रेंच वर द बेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, गाने के अलावा कुछ और बुलवाना, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है स्मिता, आप वहाँ पर मौजूद हैं इतनी भीड़ में यही काफी है, आप तो उन्हें नाचने दीजिए, गाने दीजिए, खुशी मनाने दीजिए, तस्वीरें हमें दिखाते रहिए, ये तस्वीरें लगातार स्मिता दिखा रही। कुछ और बता सकती है वहाँ और कुछ क्या चल रहा है जश्न के साथ साथ पूरे मैच के दौरान कैसा माहौल रहा? बता दो जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म हुआ था यहाँ पर, बिल्कुल सैयद आपको बता दूं फर्स्ट हाफ जैसे ही यहाँ पर खत्म हुआ लोगों की जो उम्मीदें थी वो बनी हुई थी कि फ्रांस जो है वो यहाँ पर लेकर जाएगी। दूसरा और तीसरे गोल के बाद तो माहौल इस कदर यहाँ पर बदला था कि देखते ही बन रहा था, ऐसे ही नाच गाने का माहौल उस वक्त भी था और फ्रेंच वाइन इन्होंने यहाँ पर खास तौर पर तैयार करके रखी थी। जैसे ही फ्रांस ने टाइम यहाँ खत्म हुआ आप फ्रेंच वाइन जैसे यहाँ पर नदियाँ बह रही थी करने के लिए। फ्रांस की जीत क्या शुरू से तय थी? So feeling so amazing feeling, we're so happy। ऐसे ही कुछ नाचते गाते परिवार यहाँ पर सैयद पहुँचे हुए थे और सभी, खास बात ये है कि रंगे हुए नजर आ रहे थे फ्रांस के झंडे में और टैटूज के साथ और सभी का यही कहना था कि जब इतने सालों बाद आखिरकार फ्रांस फाइनल में पहुंचा है तो
तो जीत उसी की होगी। हालांकि क्रोएशियंस को भी यहां पर कम नहीं आंकना चाहिए, उन्होंने भी कड़ी टक्कर यहां पर दी, जो गोल उन्होंने दो यहां पर किए, इतने अच्छे से दूसरे गोल के साथ कमबैक किया, वो अपने आप में यहां काबिले तारीफ था। और लेकिन फिर भी यहां तय एक तरीके से हो चुका था कि फ्रांस ही वर्ल्ड कप लेकर जाएगी, और उसके बाद की तैयारियां जो है, जश्न की तैयारियां, वो पहले ही शुरू कर दी गई थी। और भी कोशिश करूंगी लोगों से बात करने के लिए। आप भारतीय हैं? Are you an Indian? Yes, I'm an Indian. शुरू से तय करके आए? I work with French embassy. I'm so glad that we won today. Yeah! अच्छा, फेवरेट मोमेंट कौन सा था? पहला गोल जो था वो You mean the good one or the bad one? The good one. The good one? I lifted the cup. When I lifted the cup. I lifted the cup. अच्छा, ये बताइए, क्रोएशियंस के लिए क्या कहेंगे? क्रोएशियंस प्लेड वेल, दे प्लेड वेल, बट नॉट एज गुड एज फ्रेंच। एक ऐसी टीम जो कि सुविधाओं के अभाव में खेलती रही है, उसके बाद इतना जबरदस्त कमबैक कर रही है। दे हैव अ लॉट टू डू on the defense, especially on the defense, they have a lot to do. देखिए सैयद, सबसे नई टीम स्मिता, हम दोबारा आपके पास आएंगे तो दिल्ली फ्रेंच एम्बेसी की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जश्न है वहां पर जबरदस्त। एक बार फिर से आपको पेरिस लिए चलते हैं, सोचिए वहां पर क्या हाल है। और ये तस्वीरें आप इसे, इन तस्वीरों को जो भी नाम दे सकते हैं, ये दृश्य एफिल टावर के बाहर सामने, ऐसा लगता है हजारों लोग उमड़ पड़े हैं अपनी टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए, विश्व विजेता बनने के लिए। और ये खुशी बनाने का मौका फ्रांस के लोगों को 20 साल बाद मिला है। 1998 में फ्रांस विश्व विजेता यानी कि वर्ल्ड कप चैंपियन बना था, और उसके बाद आज ये मौका इन लोगों को मिला है। तो जश्न है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने देश का झंडा हवा में लहरा रहे हैं, खुशी का मौका। खेल के बहाने ही सही, हम विश्व विजेता तो बने।